अपराध हमारे। हम हैं आग, हम हैं बिजली, हम हैं शक्ति की खान, हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चट्टाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया, कोल इंडिया हम। मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन श्री चंचल गोस्वामी सर का। मैं वेलकम करती हूँ सभी एचओडीज एंड जीएम्स सीनियर्स का, साथ ही साथ कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के तहत हमारे न्यू अपॉइंटीज और उनको एकम्पनी किए हुए उनके फैमिली मेंबर्स का, और प्रेस एंड मीडिया से आए हुए हमारे प्रेस पर्सनल्स का। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे डीआईजी सीआईएसएफ बीसीसीएल यूनिट श्री विनय काजला सर का और उनकी एंटायर टीम का, आप सभी को पुनः स्वागत। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस श्री चंचल गोस्वामी सर, टू प्लीज एड्रेस द गैदरिंग ऑन दिस ओकेशन। सर प्लीज। आज हमारे कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का 47वां इस वर्षगांठ के अवसर पर आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सहकर्मी, सह अधिकारी और यूनियन से हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर्स, हमारे जो कर्मचारी आज नियुक्त होने वाले हैं, जो यहाँ पर आज उसके लिए उपस्थित हुए हैं, जो प्रमोशन ऑर्डर निकलने वाला है, वो सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि हमारे कंपनी किस मुकाम से लेके किस मुकाम तक आज के दिन में पहुँचा है, और ये कंपनी केवल अपना उपलब्धि नहीं, देश की उपलब्धि में इतना बड़ा योगदान कर रहा है कि इस बिजली संकट के घड़ी में जितना जो उम्मीदें थी देश की पावर सेक्टर की, उससे कहीं आगे बढ़कर कोल इंडिया ने वो कमी को पूरा किया। जो सडन रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा जंप कर गया था अगस्त सितंबर के बाद, और रिन्यूएबल एनर्जी सारे फेल करने लगे थे, विंड एनर्जीज, हाइडल, ये सारे रिन्यूएबल्स, ये सारे जब फेल कर रहे थे और डिमांड इतना पीक में चला गया था, उस समय सडन जो रिक्वायरमेंट हुआ था वो रिक्वायरमेंट कोल इंडिया फुलफिल कर पाया। पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष कोल इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा, जबकि जो डिमांड था वो डिमांड घट गया था और कोल इंडिया अपना जरूरत भर प्रोडक्शन भी नहीं कर पाया ओवरऑल कोल इंडिया, और 100 मिलियन टन के स्टॉक तैयार हो गया था जिसके कारण प्रोडक्शन भी सफर करने लगा था मार्च में। उसके बाद से ये जो डिमांडें बढ़ी उसमें कोल इंडिया बहुत अच्छी तरीके से खरे उतरा। बड़े बड़े कंपनियों ने 500 से ऊपर 5 मिलियन टन तक एक दिन में डिस्पैच किया है, बड़े कंपनियां 4 मिलियन तक डिस्पैच किया है, जो कि पिछले वर्ष तक लोग का सोच से परे था। और 19 लाख से ऊपर डिस्पैच, जिसमें से 17 लाख से ऊपर केवल पावर सेक्टर को कोयला दे पाया, जो कि पावर सेक्टर का, पावर मिनिस्टर का डिमांड था। और रेगुलर बेसिस पे जो मीटिंग करते रहते थे हमारे चेयरमैन साहब, और बराबर उनको जो है आश्वासन देते गए, और उस आश्वासन को पूरा उन्होंने कर पाया।
आज 47 साल के बाद ये अनुभूति हम लोगों को जरूर संतोष देता है कि ये कंपनी पूरा देश का जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जरूर जो है अपने उपलब्धि से पूर्व की उपलब्धि से भी ज़्यादा इन्होंने कर पाया। जो रिक्वायरमेंट थी, जो कैप्टिव माइने जहाँ पर दिया गया था, जो स्टेट गवर्नमेंट को माइंस दिया गया था, इन लोगों को जितना प्रतिदिन करना चाहिए था वहाँ वो लोग फेल कर रहा था। इम्पोर्ट का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इम्पोर्ट जो है लोगों ने घटा दिया, इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए डिमांड इतना बढ़ा और उस डिमांड को पूरा पूरी कर पाया कोल इंडिया। अपना आर्थिक व्यवस्था को उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने देश का जो जरूरत था उसको पूरा किया। BCCL में भी आपको ज्ञात होगा, जो जब हमने इस वित्तीय वर्ष में ये शुरुआत किया था तब हमारे पास में 38 लाख कोयला का स्टॉक हो गया था, और जब हम जो है अभी आज का डेट में हमारे पास में 6 लाख के आसपास स्टॉक बचा है, जो कि कुछ भी नहीं है। BCCL के अपने इतिहास में इतना कम स्टॉक कभी नहीं रहा है, और सारे कोयला जो है हम लोग अच्छे गुणवत्ता के साथ में सबको जो है सेटिस्फेक्शन के साथ कस्टमर का पूरा पूरा कोयला को हम लोग जो है प्रेषण कर पाए हैं। और आज के दिन में ज़रूरत है BCCL को आगे बढ़ने के लिए उत्पादन में बढ़ोतरी करना, क्योंकि अब BCCL को जो रिक्वायरमेंट डिस्पैच की आ रही है वो जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं अपना उत्पादन, तब तक हम रिक्वायरमेंट जो डिस्पैच है उसको हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए उत्पादन आज के डेट में हमारा पास में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमको उत्पादन कैसे बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ेगा तभी जो है हमारा प्रेषण बढ़ सकता है। हमारा प्रेषण स्टील सेक्टर को भी 200% से ऊपर हमारा जो है स्टील सेक्टर को भी हम लोग पिछले वर्ष के तुलना में कर रहे हैं। हम लोग करीबन 1.25 लाख वास्ट कोल प्रति माह स्टील को दे रहे हैं, और ये पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से करीबन 200% हम ज़्यादा आज के डेट तक में जितना किए हैं हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोग करीबन 7 लाख कोयला दिए थे, टोटल वित्तीय वर्ष में अभी हम लोग 6 लाख से ऊपर ऑलरेडी वास्ट कोल दे चुके हैं, और सब कुछ ठीक ठाक जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहा से 14 से 15 लाख वास्ट कोल इस वर्ष वित्तीय वर्ष में देने वाला है। हमारा जो वाशरी में इतने सालों से जो पड़ा हुआ स्टॉक था वो भी लिक्विडेट होना चालू हो गया है। हमारा वास्ट पावर कोल ऑक्शन में बिकने लगा है, हमारा रिजेक्ट भी ऑक्शन में बिकने लगा है, और स्लरी भी ऑक्शन में बिकने लगा है। ये सारे चीज़ें जो है हमारा काफ़ी बढ़ोतरी होने लगा है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि हमारे कंपनी अगले वर्ष जो कंपनी का टारगेट रखा गया है 700 मिलियन टन का, अभी प्रिलिमिनरी ये बात हो रही है, हो सकता है 740 मिलियन तक का भी टारगेट बने, लेकिन कोल इंडिया अभी से अपना कमर कस रही है क्योंकि अगले वर्ष के लिए इतना ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि पूरा स्टॉक हम लोगों का कोल इंडिया का लिक्विडेट हो रहा है, इसीलिए मंत्रालय और सभी उच्च अधिकारी इस पर अपना चिंता जाहिर करना शुरू किया है कि प्रोडक्शन को उत्पादन को और बढ़ाने का ज़रूरत है ताकि मार्च के अंत तक हमारे पास में सफिशियंट स्टॉक रहे कि बरसात में हम फिर जो है कोयला सब जगह दे सकें। हम एक बार फिर हमारे कोल इंडिया के सारे परिवार के सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ये आशा करता हूं कि ये कंपनी इसी तरह दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहे और हम सब लोग खुशहाली के अंदर में जैसे खुशहाल हमारे परिवार, हमारे कर्मचारी, हमारे सारे सदस्य रहते हैं, इसी खुशहाली के तरफ एक अगले वर्ष भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। अगला नाम है श्री वरुण कुमार, पूर्व कर्मचारी का नाम स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, कुसुंडा क्षेत्र। ग्यारह सौ पाँच कर्मियों की पदोन्नति की गई है, जिसमें से कुछ 15 कर्मियों को हम लोग यहाँ बुलाए हैं सम्मानित करने के लिए। उनका मैं नाम सीक्वेंस से बोलते जाऊँगी। हमारे आज के माननीय DTOP श्री चंचल गोस्वामी साहब से आग्रह है कि पदोन्नत कर्मियों को
अपने हाथ से प्रमोशन ऑर्डर देकर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू। श्री रघुवीर कुमार। थैंक यू। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस आज के बहुत ही शुभ दिन में, फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस। कोल इंडिया सभी अनुसंगी कंपनियां आज के स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करती हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी सारी जनता, इतने सारे इम्प्लॉय, इतने सारे हमारे नेता इस कार्यक्रम को संपन्न और सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करूंगी। उससे पहले कुछ शब्द। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, हमें पूरी किताब लिखना है और बीसीसीएल को बहुत आगे तक लेकर जाना है।